of my journey and I'm traveling from Mathura to Delhi. So यहाँ पे पता नहीं जिस हाईवे के बगल में खड़ा हूँ ये सीधा इस तरफ दिल्ली जाता है, बट मेरे को यहाँ से बसेस मिलेंगे कि नहीं उस पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि मेरे को एक जगह जाना है जहाँ से बस स्टैंड है और वहाँ से मेरे को दिल्ली के बस मिलेंगे, बट मैं कोशिश करूँगा कि ये जो रोड है ये सीधा सीधा दिल्ली जा रहा है तो इधर से ही बस लेने का। ऐसे काफ़ी सारे बसेस तो है यहाँ से जा रहे हैं, पूछना पड़ेगा कि यहाँ से दिल्ली के बस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। दिस इज़ द बस जो यूपी से दिल्ली तक जा रहा है। भैया डिक्की खोल सकते हो क्या? डिक्की खोल सकते हो? दिल्ली जाना है। हाँ क्या है सामान? कब मतलब टेंट वगैरह है तो पीछे बैग में है, तो इसको मैं सोच रहा डिक्की में रख देने के लिए। अरे यहाँ पे लगा रहे हैं, हो जाएगा
लस्सी. ओके आई विल गो डाउन एंड ब्रिंग टू ग्लास ऑफ लस्सी. यस यू गो डाउन एंड ब्रिंग टू ग्लास ऑफ लस्सी, बाबा ने कहा है. बाबा स्पीक दैट यू ब्रिंग. दिस वॉज द टिकट नो जो हम लोग यहाँ से. इट वॉज द टिकट. तो ये जो टिकट है दिस इज द टिकट जो 179 मतलब अप्रोक्स 180 का ही है. यू गो डाउन एंड ब्रिंग टू ग्लास ऑफ लस्सी. ओके ओके तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ और यहाँ से दो ग्लास लस्सी लेके आ रहा हूँ. आपको अलग एक्सपीरियंस होगा. लकड़ी का उसमें मिट्टी का उसमें देगा. हाँ वो रखा सामने वो पीला. अच्छा वो आप पे है. हाँ. तो मैं वहाँ से दो ग्लास ऑफ लस्सी लेके आता हूँ. चलो ये जो बस है इस बस में अभी मैं जा रहा हूँ फ्रॉम मथुरा टू दिल्ली. काफ़ी मतलब बढ़िया बस है ऐसे बोल सकते हो. कि रोडो इस तो बढ़िया होता है. ये जो गवर्नमेंट का बस है बैठ बैठ के जाओ दिन में काफ़ी बढ़िया रहता है. तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ बस दिखता है जो यूपी गवर्नमेंट का है. और यहाँ पे मैं दो ग्लास लस्सी लेने के लिए जा रहा हूँ. यहाँ का लस्सी का एक खास बात है यहाँ पे लोग मिट्टी के ग्लास में लस्सी दे रहे हैं. भैया दो ग्लास लस्सी देना. तो ये देख सकते हो मिट्टी के ग्लास में लस्सी मिल रहा है यहाँ पे. एक ग्लास का कितना है भैया? ये लो. नहीं नहीं चम्मच मत देना, चम्मच मत देना. प्लास्टिक नहीं चाहिए. दो दे दो. एक मैं दे के आता हूँ. तो ये जो ग्लास है ये मैं अंकल को दे के आता हूँ. दिस इज फॉर यू. नो थैंक यू. और मेरा वाला जो ग्लास है उसको मैं लेने के लिए जाऊँगा. इसमें क्या मिला रहे हो आप ऊपर से? एक तो रुआब्जा है और ये वाला क्या है? गोला का बुरादा. अच्छा थैंक यू. मेरे को चम्मच मत देना, चम्मच नहीं चाहिए. तो ये जो लस्सी है 30 रुपीज़ का है और ऐसा कुछ दिखता है देख सकते हो आप. काफ़ी बढ़िया था लस्सी. ये मेरे को स्पून दे रहे थे तो मैं जितना हो सकता है ये कोशिश करता हूँ कि ड्यूरिंग माई ट्रैवल जर्नी जितना कम हो सकता है प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट करूँ. तो आई वॉज नॉट टेकिंग स्पून मतलब चम्मच में नहीं ले रहा था. लस्सी का एक्सपीरियंस हो गया. काफ़ी बढ़िया भैया आपका लस्सी था. 140 200 दिया था, 60 का लस्सी था तो 140 बैक. और यहाँ पे बस थोड़ा देर के लिए खड़ा हुआ है. तो एक बार मैं बस के अंदर जाता हूँ फिर ब्लॉगिंग करता हूँ थोड़ा सा इनके साथ बात करता हूँ और अलग अलग लेवल पे कॉन्वर्सेशन करता हूँ. After
2-3 hours of bus journey. अभी मैं पहुंच गया हूँ दिल्ली से, लगभग 30 kilometers दूर है बस, तो गुड़गांव पहुँचे हैं। और जो बस है वो दिल्ली में जहाँ पे भी छोड़ेंगे, उसके बाद मेरे को जो है मेरा जो बड़ा वाला बैग पैक है उसको स्टेशन का क्लोक रूम होता है जहाँ पे हम लोग लगेज रख सकते हैं, तो वहाँ पे रख करके फिर एक जगह पे ट्रैवल करना है। और फिर उसके बाद मेरा रात को 10:30 बजे का ट्रेन है। अभी देखता हूँ कितने बजे तक ये पहुँचता है, तो सोच रहा हूँ कि 2 बजे तक तो पहुँच जाना चाहिए दिल्ली, काफ़ी टाइम बचेगा फिर भी मेरे पास, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हम लोग का जो बस जर्नी था यहाँ पे खत्म होता है, मतलब दिल्ली पहुँच गए। और सराय पाले खा बस स्टैंड पे, और ये भैया के साथ काफी बढ़िया टाइम रहा। हम लोग लगभग 3-4 घंटे में पहुँच गए मथुरा से दिल्ली। काफी जोर जोर से बोलते हैं, इन्होंने बुरा नहीं माना। अभी अपना बैग पैक वगैरह लेना है, यहाँ से उतरना है और फिर मेरे को रेलवे स्टेशन जाना है। शेयर करें लोड? नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है। तो अभी दिल्ली पे पहुंच चुका हूं और इसके बाद फिर ऑटो ले लिया है। ऑटो में इतना लगेज नहीं जाएगा था मेरा, चला जाएगा। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे आप और मैं? हाँ, एक मिनट। तो यहाँ पे अभी मैं अपना बैकपैक रखूँगा और रेलवे स्टेशन। ये आ जाएगा इसमें, अपने घुटने पे रख लो, बैठ के अपने घुटने पे रख लो, इसे पीछे गिर दो। पीछे में तो ये नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे हो गया है, इतना में तो हम लोग दोनों बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे अंकल के साथ यहाँ पे अंकल के साथ हमारा जर्नी शुरू होता है। एक बार इनको दिखा दो ना ऑटो। और यहाँ पे ये ऑटो ड्राइवर हमारे साथी हैं, यहाँ हमारे साथी हैं ऑटो ड्राइवर, इनका भी फोटो आगे वाले। तो YouTube पे आएगा, YouTube पे। अभी अंकल के साथ हम लोग का, मतलब मेरा जर्नी जो है शुरू ही हुआ है, लेकिन अभी हम लोग का आगे प्लान है कि उत्तराखंड वगैरह जाने का। अभी नहीं, 1-2 महीने के बाद हम लोग प्लान कर ही रहे हैं जाने का, साथ में ट्रैवल करेंगे और अलग अलग जगहों पे जाएंगे। मतलब एक जैसे लोग मिलना ऐसे ट्रैवल जर्नी पे काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जितना हो सकता है बस मिल जाते तो वही क्या बोलते हैं लक। तो था हम लोग का जर्नी और अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन मेरा बैग पैक रखने के लिए। वहाँ पे क्या क्लॉक रूम बोलते हैं ना, क्लॉक रूम जहाँ पे बैग रखते हैं, क्लॉक रूम में बैग रखवाएंगे और फिर जाना है मेरे को गाजियाबाद।
मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ। ऐसे रेलवे स्टेशन पे पहले के जैसा उतना भीड़ है नहीं, पहले से काफ़ी कम भीड़ है, खाली खाली सही है और उतना ट्रेन भी नहीं चल रहा, शायद 20% ट्रेन चल रहे हैं। मैंने ऐसा सुना है कि अगर आपके पास कॉन्फर्मेशन टिकट नहीं है तो आपको रेलवे स्टेशन के अंदर घुसने नहीं दे रहे अभी, ऐसा कुछ सिस्टम ही है, लोग करके रखे। आपका रिजर्वेशन है? हाँ मेरे पास है, मैं बाहर रहूँगा, आप कराना। हाँ तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और यहाँ से हम लोग वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं। ऐसे अंकल मेरे आने वाले वीडियोस पे तो आने ही वाले हैं, जो आगे ट्रैवल वीडियोस करेंगे उत्तराखंड के तरफ और जो कुछ भी करना है उस पर, तो मतलब ये मेरा ट्रैवल का एक कंपेनियन बन गए ऐसे आप मान सकते हो। बाय द वे मैंने इतना लंबा व्लॉग बनाया, कहीं पे भी नहीं बोला कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, तो इस पार्ट में जाकर मैं ये बोल देता हूँ कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे को सपोर्ट करो मेरा चैनल को ग्रो होने के लिए। मैं एक बार अंदर जाके देख लूँ क्या? आप देख के आओ, इसके पीपल ये देखो, ये पेड़ है। हाँ यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, कितना टाइम लगाओगे? 10 मिनट 15 मिनट। यस इट इज 2:20 हुआ है। हाँ मे बी लाइक 35 और 40। I will wait up to 3. Okay. It's enough. And if time. You don't come, I will go. It's enough time. I'll come. तो यहाँ पे शायद ब्लॉगिंग करने नहीं देगा तो इसलिए I have to switch off my camera. क्यों पंगे लेना है झूठ मूठ का।